नमस्कार। आज हम सहारनपुर की एक ऐसी बेटी से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिसने एक ऐसा कारनामा किया है जो आपने ना देखा है कभी ना सुना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुभावरी चौहान है। मैं कोठड़ी बहलोलपुर नाम का गांव शाकुमरी देवी के पास है। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। आपकी लगभग उम्र क्या है? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल की उम्र में आप ऐसा क्या करते हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं? आप सर, मैं खेती करती हूँ। आप खेती करते हैं? हाँ जी, मैं खेती करती हूँ। किस किस तरह की खेती करते हैं? सर, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम गाय पालन करते हैं। हमारे यहाँ खुद की मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ हम गाय का पालन करते हैं, और गाय के जो गोबर और गौमूत्र है उसके द्वारा हम वहाँ खेत में खाद यूज करते हैं उससे। तो जैसे कि आप ऑर्गेनिक खेती बता रहे हो, आप किस चीज़ की ऑर्गेनिक खेती करते हैं? हम गन्ने की खेती करते हैं और स्ट्रॉबेरी, अभी हमने स्ट्रॉबेरी उगाई है तो हम उसकी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग किया। हमारी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी अलग आया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से। अगर खेती की बात करें तो लगभग लगभग कितने बीघा में आप खेती करते हैं? सर, हम 40 एकड़ के करीब खेती करते हैं। क्या आप खुद खेती करते हो या आपके फैमिली, आपके मतलब? पापा का सहयोग है मेरे साथ। तो खेती में आप क्या क्या कर लेते हैं? सर, खेती में हम गन्ना उगाते हैं और गेहूँ उगाते हैं, और साथ में चावल और जो भी मतलब अनाज वगैरह हम सब उगाते हैं। और मूंगफली, हमारी मूंगफली भी मेन फसल है, उसे भी उगाते हैं। बोलते हैं कि हमारे यहाँ मूंगफली नहीं होती, पर हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से हमने करके दिखाया कि हमारे यहाँ मूंगफली हो सकती है। हमारी जो हमारे यहाँ की ज़मीन वगैरह है तो ये बोलते हैं कि वहाँ हो नहीं सकती, पर फिर भी मेरे पापा ने बहुत सहयोग किया है मेरा हमेशा बचपन से। मैं 10 साल की उम्र से फार्मिंग कर रही हूँ। आप किस किस गन्ने की पैदावार करते हैं? सर, हम रसगुल्ला गन्ना और ब्यासी गन्ना मतलब अलग अलग वैरायटी है, और जो रसगुल्ला गन्ना है ना उसके हम खुद ही प्रोसेसिंग करते हैं। हम उसे मतलब खुद ही अपनी जैसे फसल तैयार की, उसके बाद हम अपना खुद का बीज रखेंगे और अगले साल फिर उसे ही बोएंगे, ऐसे करते हैं। और हम इस गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और जो शक्कर होती है उसमें हम कोई से भी मतलब एसिड वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, वरना कुछ एसिड ऐसे होते हैं उन्हें आप मुंह पे भी रख सकते हैं पर वो शक्कर में यूज़ होते हैं। तो लगभग कितनी बीघा फसल में कितना गुड़ शक्कर निकल जाता है? 11 जो 11 बीघा वो गया गन्ना, उसमें करीबन 55 क्विंटल वगैरह शक्कर निकल जाएगी। 55 क्विंटल के लगभग निकल जाएगी, सारी ऑर्गेनिक होती है। हाँ जी। तो खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे खेती करने की प्रेरणा, सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पेरेंट्स है, एक तो मेरे पापा और दूसरी मेरी मम्मी। पापा ने MSc की हुई है एग्रीकल्चर से, पर उन्होंने नौकरी को छोड़कर उन्होंने खेती में आने का सोचा। हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, और पापा ने जब से पापा मतलब बाहर तो गए नहीं है, हमेशा गांव का सुधार किया है। आज हमारे गांव की स्थिति बहुत बदल चुकी है सिर्फ मेरे पापा की वजह से। हमारे गांव में पानी तक नहीं था, पर हमारे यहाँ 2 ट्यूबवेल है, पूरे गांव में हमारे पानी की सप्लाई हो रही है। बस ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पापा ही है। और मम्मी, मम्मी ने भी ये नहीं चाहा कि मतलब बच्चों को बाहर ले जा लो कि बाहर पढ़ लेंगे बच्चे, पर मम्मी ने कहा नहीं, मैं गाँव में ही रहूँगी और अपने बच्चों को अगर पढ़ना होगा मेरे बच्चे गाँव में ही रह के पढ़ेंगे। और मेरी बड़ी बहन है वो सुल्तानपुर IIT से मतलब सुल्तानपुर से IIT कर रही है। वो कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन हैं। 2 बहन हैं। हाँ जी। छोटे बड़े? मैं छोटी हूँ, मेरे से बड़ी बहन है। आगे पढ़ाई करके क्या बनना चाहोगे? सर, मैं बस पढ़ाई तो बस डिग्री के लिए कर रही हूँ, वैसे मेन मकसद तो मेरा बस खेती ही है। मुझे बस अपना खेती में ज़्यादा आगे जाना है। खेती के अलावा और क्या शौक रखते हैं? सर, खेती के अलावा मैं पेंटिंग का शौक रखती हूँ। किस तरह की पेंटिंग? सर, मैं मतलब मैं सीनरी वगैरह और पेन स्केच और स्केचिंग वगैरह पेंटिंग बनाती हूँ। हाँ, तो मैं BA पेंटिंग से ही कर रही हूँ। मेरा शौक था, मतलब मेरे घर वालों ने ये नहीं चाहा कि बड़ी बेटी अगर इंजीनियरिंग कर रही है कि तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। उन्होंने हमेशा हमें छूट दिया, जो करना है वो करो, और इसलिए उन्होंने कहा, मेरे पास कॉलेज है आसपास में पर वहाँ पेंटिंग नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी दूर 90 किलोमीटर दूर का आना जाना करके, इसलिए मैंने पेंटिंग के लिए दूसरे कॉलेज में दूर एडमिशन लिया। अच्छा, अगर हम बात करें गन्ने की, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये आपके कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है? ये हमारे मतलब ज़्यादा तो इंडिया में हो रहा है, पर इसकी डिमांड बाहर से भी आई, विदेशों से भी आई है, पर वो हमें मतलब जो हमारा प्राइस है उसमें अच्छे से प्रेफर नहीं कर पा रहे, जिससे हम इंडिया में ज़्यादा अच्छे से अपना सामान जो सप्लाई कर रहे हैं उसे हमें अच्छे से मतलब मुनाफा हो रहा है। लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, हम हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। जैसे मैं कभी किसानी के क्षेत्र में आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे यकीन है अगर मैं करती रहूँगी। हमें वैसे ना हर चीज़ पे डटा रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि अभी हम इसमें नहीं हो पा रहे हमने ये चीज़ छोड़ दी, पर नहीं, हमें उसी चीज़ में लगे रहना चाहिए। जब
हमें उसका फल जरूर मिलेगा, पर कोशिश करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना कि कुछ करने के लिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि खोना पड़ता है। नहीं, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ, मैं बुलेट चलाती हूँ, और मैं साथ ही साथ मतलब पूरा खेत खुद ही बहाने की वो हिम्मत रखती हूँ। हमारे 60-60 बीघा के खेत मैंने खुद बहा रखे हैं। और मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी क्षेत्र हो, बस आप आगे बढ़ो, ये ना सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग बस बोलते ही रहते हैं, उनका तो काम ही है कहना। हमें बस अपनी खुद की पहचान बनानी है। जब हम खुद की पहचान बनाएंगे तो हमारे परिवार वालों को हमारे ऊपर बहुत गर्व होगा कि हमारा बच्चा अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट हो रहा है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी लड़कियाँ अच्छा करें अपने क्षेत्र में।